दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सचिन में। और एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके लिए। आज की वीडियो में आज आपको Amazon Pay का एक ऐसा ऑफर बताऊंगा, इस ऑफर से आप 25 रुपीज का Amazon का पे बैलेंस अर्न कर सकते हैं। या फिर आज के वीडियो में आज आपको ऐसा Amazon Pay का एड मनी ऑफर बताऊंगा, इस एड मनी ऑफर से आप Amazon पे बैलेंस में जो तो 25 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, या फिर Amazon पे बैलेंस जो तो 25 रुपीज आप जो तो अर्न कर सकते हैं। तो आपको भी अगर से 25 रुपीज का Amazon का पे बैलेंस अगर से अर्न करना है, या फिर Amazon पे में अगर से आपको कैशबैक अगर से अर्न करना है, तो आपसे मेरा एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखो, ताकि आपको पता चल सके ऑफर का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और ऑफर को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए फिर मैं जो तो आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद नहीं करता और वीडियो को सीधा आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि जब भी कोई इस तरीके का वीडियो भी बनाओ तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, Amazon ने जो तो अपनी ऐप में जो एक नया ऑप्शन ऐड किया है, जो कि है यहाँ पर जो बैंक होता है उसको जो तो आप Amazon पे में जो तो ऐड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि पेटीएम में ऐप जो तो आपका बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, गूगल पे में, फोन पे में जैसे कि आप आपका बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, उसी तरीके से जो तो Amazon ने जो तो अपने ऐप में जो तो एक नया अपडेट लाया है, जिसमें कि जो तो आप आपके बैंक अकाउंट को जो तो लिंक कर सकते हैं Amazon जो ऐप होता है उसमें। Amazon पे में जो तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको 25 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। यही ऑफर है, इसका जो तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से आगे जो तो बताता हूँ। तो इसके लिए सिंपल आपको जो तो आपका Amazon पे का जो ऐप है उसे जो लेटेस्ट वर्जन पर जो तो अपडेट कर लेने। सबसे पहले जैसे आप लेटेस्ट वर्जन पर आपका ऐप जो तो अपडेट करोगे, इसके बाद में आपने सिंपल करना क्या है, इसके बाद में आपने जो तो आपको Amazon पे का जो आपका ऐप है उसे ओपन कर लेना है। जैसे आप Amazon का ऐप ओपन करोगे, उसके बाद में आपने जो तो Amazon पे पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप Amazon पे पर क्लिक करोगे, इसके बाद में व्यू स्टेटमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यू स्टेटमेंट पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। साइड में पहला ऑप्शन होगा Amazon पे बैलेंस, उसके साइड में दूसरा ऑप्शन होगा जो कि होगा Amazon पे UPI, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको जो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट लिंक करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो Amazon में आपका जो तो मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वही जो तो आपका बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए। तो वही नंबर से आप क्या करो, वही नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है तो वही जो तो आपका बैंक अकाउंट ऑफर जो तो सिलेक्ट करो। जैसे आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट करोगे तो आपने जो तो क्या करना है, यहाँ पर जो तो आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आएगा कि आपको जो तो वो कौन सा नंबर है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो आप जो तो आपके पास अगर से दो सिम कार्ड होंगे तो जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में लिंक है वो मोबाइल नंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको जो तो ऑफर जो UPI पिन वगैरह सेट करने के लिए मांगा जाएगा, थोड़ा जो तो आपका 1-1.5 रुपए यहाँ पर जो तो चार्ज कर जाएगा। सिम में जो तो आपका बैलेंस भी होना चाहिए, तभी जाकर आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद में सिंपल आपको जो तो बैंक अकाउंट सक्सेसफुली जो तो Amazon पे में ऐड हो जाएगा। अभी मैं आपको जो तो जो Amazon का जो ऑफर आ रहा है Amazon पे का 25 रुपीज का, उसका टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेता हूँ। यहाँ पर जो है तो Amazon पे ने जो तो अपना ये ऑफर जो मतलब कि सॉरी इस मतलब कि ऐड जो Amazon ने जो तो अपना ऐड जो बैंक अकाउंट जो तो लिंक कर सकते हैं, तो उसी जो तो यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, या फिर जो तो सभी लोगों ने जो तो अपना बैंक अकाउंट लिंक करना चाहिए Amazon पे में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए Amazon ने एक ऑफर लॉन्च किया है। जैसे कि आप जो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, Amazon पे से अगर से आप कोई भी शॉपिंग करते हो, या फिर Amazon पे से आप कोई भी रिचार्ज करते हो, या फिर जो तो आप Amazon पे में एड मनी भी करते हो, आपको यहाँ पर 25 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। और यहाँ पर आपको जो कैशबैक मिलेगा वो 10 वर्किंग डेज में मिलेगा, मतलब कि आपको तुरंत कैशबैक नहीं मिलेगा, 10 वर्किंग डेज में मिलेगा। और मिनिमम आपका जो तो अमाउंट होना चाहिए 75 रुपीज का, मतलब कि आप शॉपिंग भी करते हो तभी भी आपका जो तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली काउंट हो जाएगा। आप अगर से यहाँ पर रिचार्ज भी करते हो तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली काउंट हो जाएगा, और आप अगर से एड मनी भी करते हो तो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर जो तो काउंट होने वाला था। सिंपल मैं आपको एड मनी ऑफर बताऊंगा, मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था। तो सिंपल आपने Amazon का जो एड मनी ऑप्शन होता है Amazon पे पर क्लिक कर लेना है, एड मनी पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जो तो आपको क्या करना है, 75 रुपीज आपके Amazon पे बैलेंस में जो तो आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा Amazon पे UPI का, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद में जो तो यहाँ पर आपको आपका UPI पिन मांगा जाएगा, जो आपका UPI पिन आपने सेट किया था वो UPI पिन यहाँ पर जो तो आपको इंटर कर देना है, और आपका जो बैंक से जो 75 रुपीज कट जाएगा और आपको Amazon पे बैलेंस में 75 रुपीज ऐड हो जाएगा आपके सक्सेसफुली, और जो तो ये ऑफर भी आपका काउंट हो जाएगा, और 10 वर्किंग डेज में आपको यहाँ पर जो तो 25 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा Amazon पे बैलेंस में। तो यही ऑफर था, यही टर्म्स एंड कंडीशन था, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो आप मुझे कमेंट में प्लेस करके जरूर बताओ आपने इस ऑफर को अप्लाई किया या फिर नहीं किया, और आपको भी यहाँ पर 25 रुपीज का Amazon पे बैलेंस मिला या फिर नहीं मिला। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो घर से अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल।